हेलो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट लेकिन थोड़ा हास्यास्पद टॉपिक या क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे। कई लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं या इस बारे में डाउट रेज करते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज और खून गाढ़ा होना, ये दोनों एक ही बात है। लोगों की गलती नहीं है, लोगों को इस तरह से हमेशा से बताया गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्ति को ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, तो लोगों को ज़्यादातर लगता है कि खून गाढ़ा होना और हाई कोलेस्ट्रॉल होना दोनों एक ही बात है। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है मतलब उसका खून गाढ़ा है, किसी कोलेस्ट्रॉल कम है मतलब खून पतला है। तो क्या ये दोनों चीजें सेम है और क्या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना डेफिनेटली वो ब्लॉकेजेस से इंडिकेट करता है, डेफिनेटली हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है और डेफिनेटली खून गाढ़ा होने में भी हार्ट अटैक होते हैं, तो क्या दोनों सेम चीज है? क्या दोनों के बारे में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और क्यों दोनों की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज और दोनों के डिफरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है? आज इस बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम हमारे चैट बॉक्स में, हमारे क्वेश्चन बॉक्स में लोग पूछते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब खून गाढ़ा तो सेम ही होता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, आप उसको अलग तरह से क्यों बोल रहे हो? तो दोनों में फ़र्क समझना इसलिए ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक देखिएगा, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वीडियो। सबसे पहले हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक वैक्स जैसा मटेरियल होता है जो फैट से बनता है और नलियों में अलग अलग जगह डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से आपकी नलियों में ब्लॉकेज डेवलप होता है और ये ब्लॉकेज जब धीरे धीरे करके बढ़ता है तो नलियों का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। ज्यादातर अगर हमारे डाइट में खाने वाला कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हमारे लाइफस्टाइल में हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, स्मोकिंग करते हैं, वजन ज्यादा है, डायबिटीज है और हाइपरटेंशन वगैरह, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कुछ कुछ केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी बढ़ता है, बॉडी के एंजाइम लेवल्स की वजह से बढ़ता है। इससे हार्ट अटैक और लकवे होने का चांस डेफिनेटली बढ़ता है, नलियों की हार्ड होने का और नलियों में अटैक आने का चांस डेफिनेटली बढ़ता है। लेकिन ये थिक ब्लड और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होना बिल्कुल अलग चीज है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना एक तरह से ब्लड में फैट ज्यादा होने के हिसाब से आप बात कर सकते हो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो कि फैट से बनने वाला एक पदार्थ है वो ज्यादा होना है, या ब्लॉकेज बढ़ने के चांसेस उससे ज्यादा हो सकते हैं, ये आप समझ सकते हो। लेकिन थिक ब्लड होने का मतलब है कि ब्लड गाढ़ा ज्यादा हो रहा है और ऐसे केस में भले नलियों पर ब्लॉकेज हो या नहीं हो, हार्ट अटैक का चांस इनमें भी ज्यादा देखा जाता है। सडन ब्लड की थिकनेस बढ़ने की वजह से बगैर ब्लॉकेज वाली नलियों में भी हार्ट अटैक आ सकता है, हालांकि ऑब्वियसली ब्लॉकेज वाली नलियों में कंपेरेटिवली अगर गाढ़ा ब्लड और हो तो हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा होगा। लेकिन ये दोनों ही फिनोमेना बिल्कुल अलग है, दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग है। गाढ़ा ब्लड होना और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना बिल्कुल अलग चीज है। गाढ़ा ब्लड होना ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी या खून का थक्का बनाने की टेंडेंसी को डिपेंड करता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड की ब्लॉकेज बनाने वाली टेंडेंसी को डिपेंड करता है, यानी नलियों में जो वसा या चर्बी जमा होती है जिसकी वजह से नलियों में स्टेबल ब्लॉकेज बनता है उसका मार्कर कोलेस्ट्रॉल है। दोनों से ही हार्ट अटैक आ सकता है, दोनों में ही सिग्निफिकेंट रिस्क है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग चीज है, दोनों में ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, दोनों का मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। कोलेस्ट्रॉल पर हमने बात करी, अब बात करते हैं थिक ब्लड पर। थिक ब्लड होने का मतलब है कि ब्लड गाढ़ा हो जाए, जिससे ब्लड का फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाए और क्लॉटिंग टेंडेंसी यानी खून का थक्का बनने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाए। यदि व्यक्ति डिहाइड्रेटेड है या शरीर में पानी की कमी है या अगर रेड ब्लड सेल्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसे पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं, तो वैसे केस में भी हो सकता है, या किसी किसी क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स जो कि ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ाते हैं उसमें हो सकता है। इसका कोलेस्ट्रॉल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यू को खून गाढ़ा होगा या खून में विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्लॉटिंग ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। इसके पैरामीटर्स और टेस्ट बिल्कुल अलग है। ज्यादातर इसमें जो जो बीमारियों में ब्लड क्लॉट बनता है वो बीमारियां इस तरह के पेशेंट में ज्यादा देखी जाती है, और इसमें हार्ट अटैक और लकवे की कंपैरिजन में पाँव की नलियों में क्लॉट होना, वाल्व में क्लॉट होना, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना, कुछ कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक्स होना, ये सारी बीमारियां इसमें ज्यादा देखी जाती है। हार्ट अटैक और लकवा जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से बनता है, और ब्लड गाढ़ा होने की वजह से जो क्लॉट बनता है वो वीनस क्लॉट ज्यादा बनाता है, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म या वाल का प्रॉब्लम ये ज्यादा करता है। तो दोनों से होने वाली बीमारियों का पैटर्न भी अलग है, हालांकि हार्ट अटैक दोनों में हो सकता है लेकिन तरीका अलग है और दोनों के कारण और ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपका ब्लड गाढ़ा है तो आपको खून पतला करने की दवा यानी एंटीकोएगुलेंट और साथ में एंटीप्लेटलेट ये सारी दवाइयां देनी पड़ती है, जबकि अगर कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ज्यादा है तो आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा स्टैटिन या एजिटिमिब या इस तरह की मेडिसिन देनी पड़ती है, वहां खून पतला करने की दवा देने की आवश्यकता यूजली नहीं है। अनलेस खून भी गाढ़ा है या ऑलरेडी कोई ब्लॉकेज है या हार्ट अटैक का ज्यादा है तो साथ में ब्लड थिनर दिया जा सकता है, पर ये दोनों दवा बिल्कुल अलग है, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और दोनों को साथ में देने की हमेशा आवश्यकता नहीं होती है।
कुछ केसेस में ऐसा सोचा जा सकता है कि जिस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज ज्यादा है उसमें हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा है। इस तरह के पेशेंट्स में कुछ और डिजीजेस जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिस्लिपिडीमिया है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये ज्यादा होने की वजह से साथ में अटैक आने का रिस्क या ब्लड में इन्फ्लेमेशन होने का या थिकनिंग होने का चांस ज्यादा होता है। तो ये दोनों बीमारियां कई बार साथ में हो सकती है, अपने आप में है अलग, अपने आप में दोनों का मैनेजमेंट और सब कुछ अलग है, लेकिन कभी कभार साथ में कोएग्जिस्ट कर सकती है और काफी केस में जहां हार्ट अटैक की टेंडेंसी ज्यादा होती है वहां ये दोनों बीमारी एक साथ में आ सकती है और एक साथ पेशेंट की बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। दोनों में ट्रीटमेंट में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आप देते हो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा यानी स्टैटिन, एजेटिमिब, फिनोफिब्रेट्स, नाइसिन, ये सारी दवा, और ब्लड थिकनिंग को कम करने के लिए आप एंटीकोएगुलेंट्स जैसे वारफरिन, एसिट्रोम, डैबिगेट्रिन, रिवरॉक्सोबैन, अपिक्सोबैन या इडॉक्सोबैन, ये ब्लड थिनर्स देते हो, या एंटीप्लेटलेट में एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, टीकाग्रेल, इनमें से दवाइयाँ देते हो, तो ये ब्लड थिनर मेडिसिन दी जाती है। दोनों दवाइयों को कभी कभार साथ में भी यूज होता है लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। इस एस्पेक्ट को भी हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज के टॉपिक में एक थोड़ा सा अनयूजुअल सा डिस्कशन हमने किया क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में ये डाउट रेज होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफी लोग हमारे क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुके हैं और इस दोनों चीजों को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आज हमने ये टॉपिक को लिया और इसमें आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। नेचुरल ब्लड थिनर्स और थिकनर्स और कोलेस्ट्रॉल संबंधित हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस किए, इनको जरूर चेकआउट करिए, आपके बाकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा